तो हम पहुंच चुके हैं प्राचीन मुंडा धर्म सतयुगी बिंदु बंसायर में, और आपको दिखाना चाहेंगे सबसे पहले यहाँ का जो पहचान है उसको हम दिखाना चाहेंगे आपको। सो गाइज, आपको देख सकते हैं ये। पहले आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं कि सात भाई बहन थे, उसमें आप सबसे बड़ा है, बड़ा से छोटा है, उससे भी छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है ना। और उनका जो सिस्टर थी, उनका सिस्टर ये दिस साइड में है, इनके जस्ट पीछे साइड में है। तो आपको बताना चाहेंगे पीछे साइड में आपका ये है आपका छोटा बहन, और ये बसायर है। बसायर का बहुत ही आपका अद्भुत कहानी है, अभी अद्भुत कहानी आपको सुनाते हैं। उससे पहले आप सारा चीज़ आपको डिटेल दे देते हैं कि क्या क्या इसमें है। और गाइज, आपको बताना चाहेंगे ये आपका रहा केंद्र का पेड़, ये केंद्र का पेड़ है, और एक दिस साइड यहाँ पे चार पांच केंद्र का पेड़ है। और इसमें एक कहानी में एक और एक जगह है जो है डोभा, उसका भी कहानी आप उसको भी दिखाएंगे, उसको को भी प्रचलित कराएंगे। अब हम लोग कहानी की ओर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कहानी। स्टार्ट करने से पहले एक बार सातों भाई बहन को मेरे तरफ से दिल से प्रणाम है, और हमारे पूरे झारखंड राज्य की तरफ से भी बहुत ही आपको प्रणाम है, सभी को ओर से प्रणाम, मेरे दोस्त आए हैं उन सभी से प्रणाम है। तो गाइज, ये कहानी स्टार्ट होता है खान पान से रिलेटेड। तो गाइज, ये कहानी है जब सात भाई बहन एक घर में रहते थे। तो सभी आप जानते हैं पहले युग में 1000-1500 साल पहले लोग कमाने के लिए बहुत दूर दूर जाते थे, और लोग घर में तो काम करते नहीं थे, खाने पीने के लिए तो बाहर से ही कमाना जाना पड़ता है, तो बाहर जाते थे। तो भाइयों में से खाना बनाने के लिए बहुत दिक्कत होता था। तो बहन थी, तो बहन का शादी हो चुका था। तो बहन भाई लोगों का स्थिति देखते हुए वे अपने नहलाल, जो नहियर हम लोग बोलते हैं, अपना भाई के यहाँ पर रहने लगी, क्योंकि उसको खाना बनाना था और अपने भाइयों को खिलाना था, क्योंकि वो लोगों को खाने के लिए बहुत ही दिक्कत होता था। तो कहानी आगे क्या होता है, कहानी में ये होता है कि एक दिन क्या होता है कि सभी भाई लोग चल जाते हैं काम करने के लिए, और बहन खाना बनाने के लिए घर में खाना बनाती है। तो उस दिन इंसिडेंट क्या होता है कि साग होता है, साग जो साग को बनाती है बहन, और बनाते बनाते साग को चीरते चीरते ना उंगली कट जाता है, जिसके कारण खून निकलने लगता है। और खून निकलने लगता है तो वो देखती है खून तो निकल रहा है, अब थोड़ा घर में ना, क्योंकि बहन है ना, भाइयों का थोड़ा डर रहता है, प्रेम रहता है, सबसे बड़ी बात प्रेम है, प्रेम डर तो नहीं रहता लेकिन प्रेम रहता है, जिसके कारण कि कहीं बहन लोग को सुनना पड़ता है, भाई डांटते हैं। तो वो सोची कि क्यों ना खून को कहाँ पहुँचा जाए, तो वो सोचती है कि वो खून को क्यों ना दीवार में पहुँच दिया जाए या साड़ी में। तो सोची कि अगर ऐसा करेंगे तो हमको डांट पक्का मिलेगा, तो इसको छिपाने के लिए क्या, क्योंकि छिपाने के लिए एक ही जगह था, वो साग था, तो उस साग में वो पहुँच देती है। अब साग में पहुँचने के बाद तो खून तो पूछा जाता है, अब क्या करती है कि ना उसी को ना खाना बना देती है। अब रोज़ की भांति खाना तो सभी को खाते हैं, रोज़ की भांति खाना खाते खाते उन लोग साग जैसे खाते हैं ना, तो उन लोगों को ना उस दिन और दिन के तुलना में उस दिन ज़्यादा थोड़ा सा टेस्ट में ना अंतर आया। टेस्ट में अंतर यह है कि ज़्यादा स्वादिष्ट लगा, स्वादिष्ट लगने के कारण ना वो लोग मन में विचार करने लगा कि यार खाना इतना स्वादिष्ट, इतना साग इतना स्वादिष्ट क्यों लगा। तो शायद ना उसका बहन अपना छोटा भाई को बोल दी थी कि भाई आज करते करते ना उंगली शायद कट गया, तो मैंने साग में पहुंच दिया है, तो बताना नहीं। लेकिन भाई छोटा भाई था तो ना भाई लोग को ना बोल जाए कि बहन साग काटी थी तो उसका खून लग गया था, साग में वहीं पहुंच दी थी, उसी को वो खाना ना बना, मतलब सब्जी बना दी। तो ऐसा हुआ ना, तो जो होते बड़े भाई, कहानी सुने भाई, हम सुने वही सुना रहे हैं, जो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग सुनाए उसी को सुना रहे हैं, मेरे तरफ कोई नॉलेज नहीं, जो मैं दूसरा तरफ सुना वही बता रहा हूँ। तो बड़े भाई, मतलब बड़े भाइयों में थोड़ा विचार बन जाता है, बड़े भाई बोलता है कि भाई बहन का खून इतना टेस्ट है तो उसका मांस खाने में कितना स्वादिष्ट लगेगा। तो मेरा ख्याल से खून मतलब सब्जी खाने के बाद ना लोग तो दिमाग थोड़ा भ्रष्ट हो गया, मेरा ख्याल से दिमाग उन लोगों का संतुलन बिगड़ गया होगा मेरे ख्याल से। तो वो लोग क्या करता है कि बहन के बारे में सोचने लगता है कि बहन का खून इतना टेस्ट है तो उसका मांस खाने में कितना टेस्ट होगा, क्यों ना उसका मांस खाया जाए। अब
मांस खाने के लिए तो उसको मारना पड़ेगा। तो लोगों के बीच में प्लान बन गया कि क्यों ना बहन को मार के उसका मांस खाया जाए। तो छोटा भाई था, तो छोटा भाई तो सबका दुलारा होता है और बहुत प्यार करता है अपना बहन को। वो बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार, बहुत लाड दुलार करता था। तो भाई ने, छोटा भाई ने विरोध जताया। छोटा भाई ने, जो आपका ये छोटा भाई यहाँ पे अब दिखा रहे हैं, ये छोटा भाई है ना, वो अपना भाइयों से विरोध किया कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है, गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए, मैं ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। वो बहुत ऐसे किया, लेकिन छोटा भाई है, बड़ों के सामने तो छोटा का कुछ चलता नहीं है। तो क्या किया कि वो छोटा भाई ना, इतना दुलारू था ना अपना बहन का, वो अपना बहन को बोल दिया था, अपना बहन को बोल दिया था कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा बात है, आपको मारना चाहता है, आपका मांस खाना चाहते हैं। लेकिन देखिए यहीं पे ट्विस्ट आता है, यहीं पे ट्विस्ट है। सज्जू कैसे हुआ? सज्जू इसी कारण हुआ क्योंकि बहन जानती थी कि मेरा भाई लोग मेरे को मार के खाएंगे, मांस मेरा खाएंगे। लेकिन बहन का प्यार अपने भाइयों के लिए इतना प्रतीत था, अपना जान देने के लिए वो निछावर है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना बहन, अपना भाइयों का जो इरादा है उसको पूर्ण करने के लिए अपने जान को देने के लिए रेडी हो गया। तो जानते उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कहानी में ये हुआ कि वो जान गई, अपना भाई, छोटे भाई को बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ कि भाइयों ने अपना बहन का ससुराल पहुंचाने के लिए अपना बहन को बोलता है कि चलो आपको, तुमको अपना ससुराल पहुंचा देते हैं। तो ससुराल पहुँचाते मतलब ये जगह में आ जाते हैं, ये जगह में आते हैं ना। तो पॉज किया क्या? सो जगह में आते हैं तो यहाँ पर एक केंद का पेड़ है, केंद का पेड़ है, इधर आ जाओ, केंद का पेड़ है। और ये केंद का पेड़ देखिए यहाँ पे है, ये आपका केंद का पेड़ है, यहाँ पे ये केंद का पेड़ है। इसमें इसमें ना मचान बनाया हुआ पहले से रहता है। तो बहन को ना मचान में चढ़ा के छोड़ देता है लोग और बोलता है कि हम लोग आ रहे हैं आगे से देख के रास्ता, तुम यहाँ पर वेट करो। तो बहन पहले जानती थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये केंद का पेड़ है, इसी केंद का पेड़ में मचान बांध देता है और भाई लोग चल जाता है। तो बहन को पता रहता है कि ये लोग मेरे को मारने की योजना बनाए हैं, पर अब इतना प्रेम, इतना श्रद्धा अपना भाइयों के प्रति के मत पूछिए। देखिए जानते हुए भी इसी से कहानी का ये सज्जुगी कहानी का घटना प्रचलित हुआ है क्योंकि बहन जान रही है अपना भाइयों का इरादा। सो इस मचान में, इसी केंद का पेड़ में, देखिए यहाँ पर केंद का पेड़ है, ये केंद का पेड़ है, इसी में मचान बांध देते हैं। और मचान बांधने में चढ़ाता है, उसके बाद बहन जानती है तो दूर जाके भाइयों लोग ने, सभी लोग निशाना बांधने के लिए रेडी रहता। तो बहन एक गाना गाती है जो मेरे बुजुर्ग लोग से सुने हैं, माँ मेरे को सुनाई है, मारू मारू दादा छाती अतान तान के छाती देख देख। इस टाइप से कुछ गाना है। तो भाई लोग सब जाते हैं। अब बहन को यहाँ पर क्या होता है कि बहन को ना बड़ा भाई सबसे पहले निशाना लगाता है। एक छोटा भाई इसमें है कि छोटा भाई की स्टोरी और बड़ा भाई का बहुत रिलेटेड, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें कहानी है। जो बड़ा भाई, छोटा भाई का ही कहानी यहाँ पर ज़बरदस्त। बीच भाई लोग का तो बड़े भाई का जो आगे का लेन देन है, जो मतलब कि जो कार्य है उसको करते हैं छोटा भाई लोग। तो क्या होता है कि बड़ा भाई लोग जाते हैं, सबसे पहले बड़ा भाई तीर निशाना लगाता है, मचान में चढ़ी हुई रहती है और बहन जान रही है। तो बड़ा भाई जब तीर निशाना लगाते हैं तो बड़ा भाई का नहीं लगता है, उस साइड चला जाता है। फिर उसे छोटा भाई लगाता है, फिर नहीं लगता है, उसे छोटा भाई लगाता है, नहीं लगता है। सभी इस तरह से पाँचों छः भाई लगा लेते हैं निशाना, लेकिन किसी को नहीं लगता है। लेकिन लास्ट में छोटा भाई, जो अपना बहन को बहुत प्यार करते थे, वो ना क्या होता है कि थोड़ा उसका आँख नहीं दिखता था, मतलब तिरकाना हम लोग बोलते हैं जिसको, आप आमतौर पे आप लोग भी जानते हैं, जिसका आँख थोड़ा छोटा छोटा नहीं दिखता है उसको तिरकाना टाइप से बोलते हैं, तिरकाना टाइप से था। वो अपना बहन को नहीं मानना चाहता था क्योंकि बहुत प्यार करता था, और बहन भी जानती थी कि मेरा भाई बहुत प्यार करता था। तो छोटा भाई के लिए भी गाना गाया था, लेकिन गाना हमको अभी याद नहीं आ रहा है, सुने थे भूल गए जस्ट, इससे पहले मेरे को पता था, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ ना तो ऐसे ऐसे थोड़ा भूल जा रहा हूँ तो बता रहा हूँ। तो छोटा भाई बहुत दुलारू था अपना बहन का। तो लास्ट में भाई का हम जानता था कि छोटा भाई और दोनों का भाई बंधन, जो प्यार बंधन है, बहुत अच्छा था। तो भाई ना एकदम बिल्कुल नहीं चाहता था मारने के लिए अपन बहन को, और तिरकाना पहली बात था। वो सोचा ना कि मचान में यहाँ चढ़ी हुई है, वो सोचा दूर से निशाना लगा के साइड मारेंगे। लेकिन देखिए प्रेम, भाई और बहनों का प्रेम, छोटा भाई चाह रहा दूसरे तरफ मारने के लिए, लेकिन लग गया बहन का छाती में, और छाती में लगते हुए बहन यहाँ गिर गई, और उसके बाद बहन का जान चला गया। भाई क्या बताएं आपको,
ये कहानी इतना इतना थोड़ा सा ना इतना इमोशनल है कि मत पूछो, बहुत इमोशनल है, सुनने में बहुत इमोशनल है। अब उसके बाद बहन तो मर जाती है, अब उसके बीच का इंटरेस्टिंग और भयानक है, और इंटरेस्टिंग भयानक है वहाँ पे कहानी। कहानी क्या होता है, तो मर गई, अब तो भाई तो आ गया, अब क्या करें, अब इसका मांस कैसे काटा जाए। तो क्या करता है भाई लोग कि बड़ा भाई लोग ना छोटा भाई को बोलता है, जाओ तुम लकड़ी ले आना। और लकड़ी लाने के लिए छोटा सा रस्सी देता है, इसलिए छोटा सा रस्सी देता है क्योंकि ना लकड़ी लाएगा तो बंधाएगा नहीं और उससे समय लगेगा। तो क्या होता है कि जंगल जाता है लकड़ी लेने के लिए, तो जंगल जाके रोने लगता है, लकड़ी मिलता है, देखिए भाई इस टाइप से लकड़ी मिलता है, रोने लगता है कि मेरा बहन को वहाँ पर, मतलब कि रो रहा है, रो रहा, तो सांप आता है वहाँ पे, तो सांप आता है, बोलता है ए भाई तो काल रो थीस, तो अपना कहानी सांप को बताता है कि मोर बहन के वहाँ पर काटब, जल्दी से हम अगर जल्दी से लकड़ी लेके नहीं गए वहाँ काट दे मैं यार, इतना सारा लकड़ी भी चुना था, आप कैसे बांधे, और छोटा रस्सी भी दिया था, तो लकड़ी उसको ना बांधने के लिए रस्सी नहीं मिल रहा था, और रोने लगा। तो सांप ने क्या किया, ले ए भाई तो हमके बांध ले यार, उसके बाद हम तो वहाँ पहुँच जाओ, उसके बाद हम तो के छोड़ देबो, मतलब हम चल आबो। तो रस्सी का क्या होता, कटिंग मांस को कटिंग करके मांस को बना के पूरा तैयारी हो जाता है, पूरा तैयारी हो जाता है। तो जो छोटा भाई था वो गया था पहले तालाब बोला ना, तो पहले वो क्या किया कि मछली और केकड़ा चुन के लाया था, जिससे क्या वो जान रहा था कि हमको खाने के लिए मिलेगा, हम तो खाएंगे है ना। तो उस सभी को बैठ के जब अपना बहन का मांस खाने लगा ना, तो बड़ा भाई लोग सब खाने लगा, तो छोटा भाई डर के मारे वो मछली केकड़ा साइड में रखा हुआ था, और जैसे वो लोग खाता हड्डी ना, तो केकड़ा चबाता था ताकि आवाज़ आता था कि लोग जानना चाहिए कि हम खा रहे हैं और हड्डी चबा रहे हैं, और हड्डी चबा रहा है, उससे इन लोगों को पता चलता था कि हाँ वो भी मांस खा रहा है। और बेचारा साइड में लुक छिपा के रखता था अपना बहन का मांस और हड्डी को रख देता था। अब इसके बाद क्या हुआ, जब सब चले गए और वो मांस और हड्डी जो रखा था ना, और यहाँ पर एक टीला था, वो टीला में वो मांस को डाल दिया, और मांस को डालने के बाद देखिए बांस का निर्माण हुआ, ये बांस का प्रोडक्शन हुआ, ये बांस यहाँ पर जन्म लिया, और ये बांस का यही बिंदु बसायर इसी से रिलेटेड है। आपके भिखारी जा रहा था, इधर से गुजर रहा था, बहुत पहले इधर जंगल था, तो देखा कि इस यहाँ पर इतना सुंदर, इतना बांस, इतना अच्छा बांस निकला हुआ है, तो क्यों ना इसे बांस को कटिंग करके केंद्रा बनाया जाए। केंद्रा आप लोग शायद जानते होंगे, नाउ डेज आप मतलब कि आप लोग यूज करते हैं गिटार, यू नो गिटार, तो इसको हम लोग केंद्रा बोलते थे, देहात में केंद्रा बोला जाता है, तो इसी से वो बांस का केंद्रा बनाता है। तो बड़ा भाई के घर पर सबसे पहले पहुंचा था, बड़ा घर में जब पहुंचता है तो केंद्रा जानते हैं क्या, केंद्रा बज के ना आवाज़ निकलता है, अरे केंद्रा नहीं बाज में, नहीं बाज में, मोर ई दुश्मन के घर है, बड़ा घर के, जब बड़ा भाई के घर पहुंचता है तब मोर दुश्मन का घर है कि नहीं बाज में, फिर उसके बाद मंझला संझला ऐसे बोलते बोलते सबको बोलते हैं कि वहाँ पर केंद्रा से आवाज़ निकलता है, नहीं बाज में मोर दुश्मन का घर है के। और जब छोटा भाई का घर के सामने पहुँचता है तो वहाँ पर आवाज़ निकलता है, रे केंद्रा बाज रे बाजी, मोर छोटा भाई का घर है के, हमारा अपन घर है के, तो बाजी हमारा दुश्मन घर नहीं है, हमारा अपन भाई का घर है के, अपन घर है के बाज। और इतना मधुर आवाज़ वहाँ से निकलता है, इतना मधुर आवाज़ निकलता है, सब भाई लोग उसको देख के ना चकित हो जाता है। जानते हैं जो बजाने वाला था उसको क्या बोलता है वो लोग, कि तुम जानबूझ के ऐसा करता था, तुम जानबूझ के हम लोग को नहीं बचाया ना, तुम्हें छोटा भाई के घर को बचाया है जानबूझ के, तुम ऐसा कोई दुश्मनी है क्या कह के ना उसको ना पूरा ठोक देता है, मतलब धुनाई कर देता है वो भिखारी को। तो छोटा भाई बड़ा भाई का विरोध करके उसको बचा लेता है, और शाम को वक्त रहता है तो उसको अपना घर में बोलता है कि तुम यहाँ रुक जाओ यहाँ पे, कल सवेरे तुम निकल जाना। तो केंद्रा को छोड़ के ना, इतना डर था ना उसके बीच में कि केंद्रा को छोड़ के वो निकल गया, भाग गया है ना, अब भाग गया, अब केंद्रा तो रह गया। अब हर दिन की भांति सभी भाई लोग काम करने के लिए बाहर जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, छोटा भाई का घर में तो केंद्रा छूट गया है, अब सब कोई अपने खान पान बनाता था, और बड़े भाई लोग तो उन लोगों का शायद शादी उदी हो गया होगा, मेरा ख्याल से हो गया था, मतलब शायद थोड़ा सा मिस्टेक है इस कहानी में, मेरे याद नहीं है, हो गया शायद, तो छोटा भाई का शादी उदी नहीं हुआ था, तो खाना खुद बनाता था, बर्तन वर्तन बहुत सारा उसका बिखरा उखरा पड़ता था। तो क्या होता है कि आता है घर में तो देखता है पूरा घर साफ सुथरा, झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन सब क्लियर है, तो बोलता है ये कैसा चकित, कैसा आश्चर्यचकित यहाँ पर काम हो गया भाई। तो फिर दूसरा दिन आता है, फिर वैसा ही देखता है, तो एक दिन किसी वजह से ना वो अपना बहन को देख लेता है, अरे ये तो मेरी बहन है, साक्षात मेरी बहन कहाँ से आ गई। तो जैसे आया ना, वो जैसे आया तो देख ली, तो जैसे वो केंद्रा में घुस गई, तो दूसरा दिन देखिए केंद्र से निकलती है, और केंद्र से निकलती है और साफ सुथरा करके फिर केंद्रा में घुस जाती है। तो क्या किया, दिमाग लगाया कि अपना केंद्रा को ना, जैसे उसका बहन निकली, अपना केंद्रा को तोड़ दिया, अब उसका बहन ना
कि वहाँ से फिर घुस नहीं सकी तो उसका बहन बाहर आ गई। अब बाहर आने के बाद साक्षात जीवित हो गई, पहले के भांति अपना बहन को साक्षात पा गई। और यही कहानी का यहाँ पर मतलब है कि प्रेम भाई बहनों के बीच में प्रेम। उसका बहन सब प्लान पता था बहन को सब पता था, अपना भाइयों के विचार जितना भी थे वो सब पता था, लेकिन अपने भाइयों के लिए अपना जान निछावर कर दिया। इसी से इन लोगों का अमरता प्राप्त हुआ था और कहानी इसका अभी तक प्रचलित है और मेरे ख्याल से आने वाले पीढ़ी लोग भी इनके बारे जानेंगे। और मैं इनको साक्षात नमन करता हूँ, इन भाइयों का बहन को मैं साक्षात नमन करता हूँ कि अपने भाई के प्रति इतना प्रेम रखते हैं, और आप भी अपने भाइयों और बहनों के प्रति प्रेम रखिए और आप अमरता प्राप्त हो जाएंगे। मैं कहता हूँ मान लेना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने भाइयों के प्रति रहें, बहनों के प्रति रहें, ऐसा विचार रखें, अच्छा विचार रखें। बस इसी के साथ मैं कहानी के यहाँ पर दीन करूँगा और मैं आप लोगों को जो डोभा वाला था वो डोभा को भी दिखाने ले चलता हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि जो ये बिंदु बांसार है ना, बहुत ही किताबों में भी प्रचलित है, क्योंकि किताब में इसका जिक्र है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। आपका हो गया JPSC JSSC जितना भी हो गया, इस सभी में इसका क्वेश्चन एक दो आना ही आना है, एक दो क्या दस पूरा। अगर JSSC JPSC देते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 10 मिलेंगे। सो गाइज, आपको ये कहानी जानना चाहिए। और ये हमारा झारखंड का धरोहर है, प्राचीन युग का ये सज्जुगी कहानी है। सो गाइज, आपको बताना चाहेंगे किसके बारे आप जानिए। JSSC JPSC में इसका एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है। और जो डोभा बोले थे वो डोभा देखिए आपका ये रहा, जो अभी बिल्कुल अभी इसको इंसान लोगों ने अभी फिलहाल बना दिया है। खूबसूरत सा पानी देखिए यहाँ पे, बहुत अच्छा पानी है, वाह देख सकते हैं गाइस। और वो आपका रहा विद्यु मसायर। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।